Hey civil engineers, grand welcome to your channel Civil Unboxing. My name is Sumon and you are watching Civil Unboxing. Unbox your talent digitally. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से जुड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले भी हम लोग इसी सीरीज का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ये सीरीज स्पेशली लेके आया हूँ ताकि जो फ्रेशर इंजीनियर है और साइट इंजीनियर्स या फिर सुपरवाइजर जो भी साइट पे काम कर रहे हैं या फिर जॉब करने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट आर, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन के अनुसार कंक्रीट का टोटल कितना ग्रेड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर देयर इन एज पर IS 456/2000, मतलब IS 456/2000 कोडल प्रोविजन के अनुसार टोटल 15 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है। ये 15 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट टोटल डिवाइड किया गया है तीनों ग्रुप में। सबसे पहला ग्रुप है ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रुप, फिर स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रुप, फिर आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रुप। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रुप में हम लोग देखेंगे M10, M15 और M20, इसी तीन कंक्रीट ग्रेड के बारे में। फिर आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रुप जिसमें M25 से लेकर M55 तक कंक्रीट का ग्रेड आता है। फिर आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रुप जिसमें M60 से लेकर M80 तक टोटल 5 कंक्रीट का ग्रेड आता है। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, मतलब कंक्रीट कास्टिंग से पहले हम लोग कैसे कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है बैचिंग, मतलब कंक्रीट में कितना बालू या फिर सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा और कितना कोर्स एग्रीगेट या फिर पत्थर लगेगा वो हम लोग सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। फिर उसे मिक्सिंग हम लोग करते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग उसे जिस जगह पे आप कास्टिंग करना है उस जगह पे हम लोग प्लेसिंग करते हैं। फिर आता है कॉम्पैक्शन, फिर आता है फिनिशिंग और आखिरी में आता है क्यूरिंग प्रोसेस। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट शुड बी द आइडियल टेम्परेचर फॉर कंक्रीट एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, कंक्रीट कास्टिंग के टाइम आइडियल टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। तो कंक्रीट कास्टिंग का सबसे टेम्परेचर माना जाता है रूम टेम्परेचर जो कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वैसे आप लोग कंक्रीट कास्टिंग नॉर्मली 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग का मेथड्स क्या क्या है। सो आंसर देखते हैं, क्यूरिंग को हम लोग नॉर्मली चारों पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सरफेस कवरिंग विथ वेट गनी बैग्स और हेजन क्लॉथ, मतलब किसी भी सरफेस को हम लोग कवर करके रखते हैं। मान लीजिए आपका एक कॉलम कास्टिंग किए हैं तो कॉलम को हम लोग गनी बैग से या फिर हेजन क्लॉथ से पूरी तरह से कवर करके फिर उसे पानी से भिगो के रखते हैं। फिर आता है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, सपोज़ मान लीजिए आपका एक वर्टिकल वॉल है वहाँ पे आप लोग गनी बैग या फिर हेसन क्लॉथ यूज़ नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर मतलब पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से हम लोग क्यूरिंग करते हैं। फिर मान लीजिए आपका आया पॉन्डिंग, पॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्लैब हुआ या फिर ग्रेड स्लैब हुआ जगह पे जहाँ पे फ्लैट ही सरफेस है उस जगह पे हम लोग पॉन्डिंग करके पानी स्टोर करके वहाँ पे क्यूरिंग करते हैं। फिर आता है स्टीम क्यूरिंग, ये स्टीम क्यूरिंग एक्चुअली प्रीकास्ट मेंबर के लिए ही अलाउबल है,
जैसे ब्रिज का डेक हुआ, इस ब्रिज का डेक जैसे मेंबर को हम लोग स्टीम क्यूरिंग के अंदर क्योर करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर चेकिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट आर देयर? कॉन्क्रीट के वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए टोटल कितने टाइप्स का टेस्ट है? तो टोटल 4 टेस्ट है। सबसे पहले आता है स्लैम कोन टेस्ट, फिर आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फिर आता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, और चौथा है फ्लो टेस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेट ऑफ लोडिंग इन कंप्रेशन टेस्टिंग मिशन एंड द टाइम ऑफ क्यूब टेस्टिंग? क्यूब टेस्टिंग के दौरान कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में कितना रेट का लोडिंग हमेशा अप्लाई करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट का डिफेक्ट्स क्या क्या है? कंक्रीट का डिफेक्ट है, एक तो सेग्रीगेशन होगा, या फिर ब्लीडिंग का डिफेक्ट आता है, या फिर क्रैक फॉर्मेशन होता है, या फिर क्रेजिंग, और एक है एफ्लोरेसेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिक्स रेशियो ऑफ M20 एंड M25 कंक्रीट? तो इसका सही आंसर होगा M20 कंक्रीट के लिए हम लोग रेशियो का डिवाइड करेंगे 1:1.5:3 में। सबसे पहला है 1, जो कि सीमेंट के पोर्शन को डिनोट करता है। फिर आता है 1.5 जो कि फाइन एग्रीगेट या फिर सैंड को डिनोट करेगा। फिर आता है 3, जो कि कोर्स एग्रीगेट या फिर स्टोन को डिनोट करता है। फिर आता है M25 कंक्रीट के एक भाग अगर सीमेंट लेंगे तो एक भाग बालू रहेगा और दो भाग कोर्स एग्रीगेट मतलब पत्थर रहेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम क्यूरिंग टाइम शुड बी गिवन फॉर कॉन्क्रीट इज? कॉन्क्रीट को क्योर करने के लिए मिनिमम कितना टाइम का ज़रूरत है? कितने दिनों तक हम लोग क्यूरिंग के लिए हमेशा रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फॉर नॉर्मल वेदर कंडीशन, मतलब नॉर्मल वेदर कंडीशन के लिए हम लोग मिनिमम 7 दिन तक क्योर जरूर करेंगे। अगर ड्राई या फिर हॉट वेदर कंडीशन रहा तो मिनिमम आपको 10 दिनों तक क्योर करना ही पड़ेगा। सो डियर सिविल इंजीनियर्स, ये था कुछ कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जुड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।